What's up guys, हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम लोग हर एक प्रकार का सॉन्ग करते हैं, और चाहे वो यूट्यूब से फेमस हो बंदा हो, या बॉलीवुड से हो, या साउथ का हो, या कहीं से भी फेमस वाला बंदा हो, टैलेंट टैलेंट होता है हमारे लिए। आप लोगों ने देखा है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो एक बीच में ना गाइज, अभी मैं ईयर मेरे को आइडिया नहीं है, बट एक इरा ऐसे आया था, एक वेव ऐसी आई थी कि यूट्यूब से लोग फेमस हो रहे थे। उसमें से एक आज जो जिसका रिव्यू करने वाले हैं, उनका नाम है विद्या वोक्स और अर्जुन करके एक हमारे आर्टिस्ट थे। उस टाइम पे अर्जुन और विद्या वोक्स यूट्यूब से फेमस हुए थे, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा फेमस होंगे। कवर चल रहे थे इनके, बहुत सारे कवर में, एज अ सिंगर हाँ, एज अ सिंगर बहुत ज्यादा कवर्स कर रहे थे, बीच में यूट्यूबर्स का बहुत ज्यादा ये हो गया था, बिल्कुल ठीक है। तो यूट्यूब से फेमस है, तो विद्या वोक्स भी उसमें से ही है, और हमारे अर्जुन भाई भी एक कवर बनाते, वो भी उसमें से ही है। तो उनके मैं गाने तो सुनता था, मेरे को उतना खास नहीं लगते थे, बट अर्जुन के गाने अच्छे लगते थे, पर विद्या वोक्स के मेरे को कवर में उतना, मतलब इन आर्टिस्ट को मैं ज्यादा सुनता नहीं था। बट इनका ये गाना जो है, पलीवालू भद्रवटकम, बी फ्री, इन्होंने काफी अच्छा इसको रिक्रिएट किया बोलो, या अपने स्टाइल में बनाया बोलो, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा है कि नहीं, बट पलीवालू जो है गाना, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था ये वाला गाना। मैंने लूप पे सुना था उस टाइम पे, ठीक है, वो टाइम पे बहुत सुना, बहुत सुना था मैंने, क्योंकि बहुत पसंद आया था, म्यूजिकली बोलो या वीडियो बहुत अच्छा बनाया था। तो इसलिए हमने आज ये सॉन्ग लेके आए, और आपको टेक्निकली और रिव्यू करेंगे इसको अच्छे से, कि हमको क्यों पसंद आया था, क्या पसंद आया था, बिल्कुल, हमने क्यों इतना लूप पे सुनने का पसंद किया इसको, बिल्कुल, आज बिल्कुल। आपको वन टेक में बताएंगे। तो आज हम लोग सुनने वाले हैं विद्या वोक्स का बी फ्री पलीवालू भद्रवटकम फीचरिंग वंदना अय्यर। तो अगर इस लैंग्वेज में, इंग्लिश तो ठीक है, पर इस जो साउथ की लैंग्वेज है उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमको समझा देना इसका भाव क्या है, इसके ये लिरिक्स में क्या बोल रहे हैं। बाकी तो बोल, अय्यर अय्यर वेणुगोपाल, वंदना अय्यर, हाँ वंदना वेणुगोपाल अय्यर। चलो सुनते आगे, त्रिचुपल्ली। तो गाइस चलो यार, आते वीडियो पे, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो। बाकी इन लोगों ने सच में यार बहुत अच्छा एरा लाया था कवर का, बहुत अच्छा, अर्जुन ने और विद्या वोक्स ने बहुत अच्छा लाया था, जो मेरे को बहुत ज्यादा और ज्यादा सुनता नहीं था, बट अच्छे करते थे। आज जैसे नहीं कि सिर्फ नॉर्मली काम किया, बिल्कुल ऐसे नहीं, ये लोग सीरियसली इंग्लिश लिरिक्स डाल के, हिंदी करके, और ऐसा सब, ये दोनों मस्त आर्टिस्ट थे। हाँ, जो याद आ रहा था, जब याद आएगा तो बता दूंगा। जैसे कि अभी एक कवर आर्टिस्ट हो, यू तो अकेला, यो जो आर्टिस्ट है वो सिर्फ कंपोजिशन और लिरिक्स सेम रख के म्यूजिक ही चेंज करता है। इन लोगों ने वैसा नहीं किया था, इन लोगों ने लिरिक्स चेंज किया था, सिर्फ हुक, जैसे कि पलीवाल भद्र वटकम, ये जैसे हुक है तो इसको रख के बाकी अपना स्टाइल लाया था। तो इन्होंने काम किया था, ऐसे नहीं यू तो अकेला ऐसा नहीं किया था कुछ, ठीक है, समझ गया ना, समझ गया बिल्कुल। तो वेरी नाइस, आते हैं, बाकी आपका काम ऐसी हमको सपोर्ट करना और प्यार करना है। बाकी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, और हमको सजेशन दो क्या क्या करने का है, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी होगी। चलो गाने गाते हैं विद्या वोक्स का भी फ्री पलीवाल भद्रवटकम फीचरिंग वंदना अय्यर। प्रॉपर अपना ट्रेडिशनल दिखाया यार, Wow!
आगे गाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये गाने का मेरे को ना क्या सही लगा, एक तो प्रॉपर इन्होंने अपना एक मलयालम ये पकड़ के रखा, ठीक है, जो जरूरी है, बिल्कुल जो जरूरी है, अपना एक कल्चर पकड़ के रखना, प्रॉपर अपनी मिट्टी का स्वाद पकड़ के रखना, भले ही आप थोड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हो बट उसमें भी आपने अपना इंस्ट्रूमेंट जरूर रखा, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ये हो गया म्यूजिक की बात, बिल्कुल म्यूजिकली और कंपोजिशन और जो आपने रिक्रिएशन किया इंग्लिश में उसमें भी आपने एक अपने मिट्टी का स्वाद रखा है, बिल्कुल पहली बात। और दूसरी बात, वीडियो में आपने प्रॉपरली एक तो वहां पे ही जाके शूट किया, एग्जैक्ट विद्यावक जो है वो इंडिया के है बट वो इंडिया में नहीं रहते जितना मेरे को आइडिया है, वो बाहर ही रहते शायद से, ठीक है, तो अपने इंडिया का हर एक चीज मतलब उनके कल्चर का और उनका स्वाद बिल्कुल रखा है, मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है। तो इस टाइप का रिक्रिएशन मेरे को पसंद है, तो मतलब ज्यादा बोलने लायक नहीं, इतना प्यारा सब कुछ किया है, बिल्कुल। और अगर मैं देखा जाए तो गाइज इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ सही रखा है, तो इसके बारे में ना बोलते हुए सिर्फ तारीफ ही करा जाए कि यार अपना कल्चर दिखा है, हर एक उनका एक स्वाद उन्होंने कंटिन्यू रखा है, इंग्लिश वोकल्स इंग्लिश लिरिक्स के साथ साथ प्रॉपर इतना प्यारा, मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक में अपना तर्ज भी डाला, अपना मिट्टी का स्वाद भी रखा और वो इंस्ट्रूमेंट्स डाल के और उसको पकड़ के रखा, ठीक है सॉन्ग को, फिर अपने कथक ये चालू है जैसे केरला में ये सब ये होता है, समझ रहे हो ना, और तो मैं स्वाद बहुत अच्छा, वीडियो में भी वो उन्होंने बरकरार रखा, वहीं जाके शूट किया, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा, भले कलर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है चलता है, तो ये सब तो चलता है, 6 साल पुराना वीडियो है, बट मैं अगर आप विद्या वोक्स को और वंदना जी को जानते हो तो जरूर उनको इंस्टाग्राम में हमारा वीडियो भेज दो और बोलो कि यार मैं दिल से चाहता हूँ कि मैंने तारीफ किया उनकी, नहीं सही बता दो भैया, सुनते थे लूप में, क्योंकि बहुत लूप में सुनते, अभी भी सुनते, अभी तो रिव्यू किया मैंने, मैं तो अभी भी सुनते, आपने बीच में देखा होगा अंग अंग ये सब, एक वेस्टर्न म्यूजिक भी डाला, वेस्टर्न म्यूजिक वेरी नाइस सर, बढ़िया यार, बहुत सही, आगे सुनते हैं, फिर तो मन किया बताने का, तो चलो आगे सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, चलो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा जो ये है जो अपना ये है ना अपना स्क्रिलिक्स ने एक गाने में यूज किया था और बाकी भी गाने में है, बिल्कुल बिल्कुल, वो गाने का नाम नहीं कर
अरे वो गाना ऐसे मुंह में मेरे को आ रहा नहीं है, सेम जो टोंक जो मुंह बज रहा था वो ज्यादा वो यूज करता है। देखो आपने एक बात नोटिस किया होगा, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं रहती, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं रहती, सबसे पहली बात हमने एंजॉय किया, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा पर सुन के अच्छा लगा, बट सुन के अच्छा लग रहा है, तो ये होती है म्यूजिक का पावर, समझ रहे हो। हमको समझ में नहीं आ रहा है पलेवाल भद्र वटेकम, वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बट हम उनकी सिंगिंग एंजॉय कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, तो ये ताकत होती है म्यूजिक में गाइज। बिल्कुल, इसलिए हमने भी जो अपने को आता है वही फील्ड चुना। बिल्कुल, कॉपीराइट आता है वांदा नहीं है, हाँ बट रिव्यू जरूर करेंगे, समझ रहे हो, मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा विद्यावोक्स एंड वंदना अय्यर, बहुत बाकी म्यूजिक जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, अच्छा बनाया तो दिखा नहीं मेरे को, इधर लिखना मांगता है ना एडिटिंग नहीं सेटअप है, तो सब लोगों ने यार जितने भी लोग एडिटर ने भी अच्छा काम किया, वीडियो भी अच्छा शूट किया, ड्रोन अच्छा ये किया है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे थे वो उन्होंने काफी अच्छा एक ये किया है, और अगर मैं आपको बोलूं कॉस्ट्यूम्स भी काफी अच्छे थे, और अपने मिट्टी का स्वाद रखा है सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये है कि गाइस मैं कुछ बोलने वाला था, अपना मिट्टी का स्वाद रखो, हाँ बहुत मतलब, और कवर बनाओ ऐसा बनाओ, हाँ ऐसे टाइप का कवर बनाओ जो यूनिक लगे और सुनने को अच्छा लगे, ना कि बस आप चेप दो, ठीक है, सीधा का सीधा यू तो अकेला ही अफसर जाने मेरा क्या होगा, फुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप प्लीज ऐसे ही यूनिक गाने बनाओ और ऐसे ही बढ़िया करते रहो गाइस, अगर आप कवर बनाते हो तो, बाकी क्या है यार, बाकी आप अगर हमको ऐसे ही सजेशन देते रहो क्या चाहिए क्या नहीं, बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना प्लीज, लिरिक्स के बारे में हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और भी साउथ के गाने अगर चाहिए ऐसे ही कुछ यूनिक गाने चाहिए तो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग जरूर रिव्यू करेंगे। बाकी आपका काम यही है कि ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट। Na 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 na